दोस्तों पलामू डिस्ट्रिक्ट के द्वारा यहाँ पे जो है बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट की नोटिस यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें कि जो टोटल आपका यहाँ पे 196 पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट निकाली गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स में इसके बारे में आपको यहाँ पे बतलाने वाला हूँ कि कौन से कैंडिडेट आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है एंड कौन से पोस्ट में कितने सारे सीटें आज यहाँ पर जो है पलामू डिस्ट्रिक्ट के द्वारा यहाँ निकाली गई है। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी इस प्रकार की जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आपका एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पर दी गई है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी जो पलामू डिस्ट्रिक्ट है इसके द्वारा यहाँ पर जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे जो है निकाली गई है। बहुत सारे पोस्टों में यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें कि जो डेट आपका यहाँ पे 6/7/2021 इसका जो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट रखी गई है एंड जो इन डेट जो आपके भरने की अंतिम डेट आपका 20/7/2021 यहाँ पे जो इसकी लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। तो चलिए जो इसका फुल एडवर्टाइजमेंट है इसको ओपन करके यहाँ पर दिखलाते हैं कि कौन से पोस्ट में कितने सारे सीटें एंड क्या क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर ली जा रही है। तो यहाँ पे मैंने इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे ओपन कर ली है, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के तहत जिला स्वास्थ्य समिति पलामू के द्वारा यहाँ पे जो है संविदा के आधार पर ANM स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियंस प्रखंड डाटा ऑपरेटर काउंसलर फार्माकिस्ट एवं अन्य निम्नांकित पदों पर यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट की नोटिस जारी की गई है। इस फॉर्म को भरने के जो लास्ट डेट 20/7/2021 यहाँ पर रखी गई है, जिसमें कि आप किसी भी स्पीड पोस्ट या फिर निबंधन डाक के माध्यम से यहाँ पे जो एड्रेस दी गई है असैनिक शल्य चिकित्सा सम्मुख चिकित्सा पदाधिकारी पलामू के कार्यालय में आप भेज के जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप हाथों हाथ जो है इसके कार्यालय में जाकर जो है आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। नीचे में आप देख पा रहे हो कि जो आपका पोस्ट नेम आपका यहाँ पर दी गई है, जिसमें कि ANM स्टाफ नर्स ब्लॉक डाटा मैनेजर्स कुक कम अटेंडेंट लैब टेक्नीशियंस ये सभी आपका यहाँ पे पोस्ट नेम आपको दी गई है। तो अगर आप ANM के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे 68 यहाँ पे जो है आपको दी गई है। तो आप कौन से पोस्ट में अप्लाई करते हैं लाइक ANM स्टाफ नर्स, उसके अनुसार यहाँ पे जो है टोटल सीटें कैटेगरी के अनुसार आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप कैटेगरी के अनुसार एंड पोस्ट के अनुसार भी आप यहाँ पर देख करके जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें ब्लॉक डाटा मैनेजर्स में, इसमें टोटल एक पोस्ट है एंड कुक कम अटेंडेंट में भी आपका एक पोस्ट है, लैब टेक्नीशियंस के लिए आपका टोटल एक पोस्ट है एंड आपका अर्थ काउंसलर पोस्ट के लिए टोटल एक पोस्ट है, काउंसलर डिस्ट NCD क्लिनिक के लिए भी आपका एक पोस्ट है, आयुष फार्माकिस्ट के लिए दो पोस्ट है, फार्माकिस्ट RBSK के लिए यहाँ पे 15 सीटें हैं। वहीं पर ममता वाहन कॉल सेंटर ऑपरेटर के लिए जो है आपका यहाँ पर टोटल एक सीटें हैं, सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आपका यहाँ पर दो सीटें हैं एंड जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर पोस्ट है इसमें भी टोटल आपका यहाँ पर एक पोस्ट है। तो आप कौन से कैटेगरी से आते होंगे तो उसके अनुसार यहाँ पे सीटें देख करके जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लगभग आपका यहाँ पे जो है 196 सीटें यहाँ पे जो है निकाली गई है, ठीक है। नीचे में आपका यहाँ पे कंडीशंस रखी गई है, तो कंडीशंस में आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट पॉइंट में आपका यहाँ पर बतलाई गई है कि उपरोक्त पदों के लिए जो है अभ्यर्थियों का चयन 1 वर्ष के संविदा आधारित पद के लिए यहाँ पर की जाएगी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 वर्ष के लिए जो है आपके कॉन्टैक्ट बेसिस पे यहाँ पे जो है आपको सिलेक्शन की जाएगी एंड आवश्यकता अनुसार जो है चयनित अभ्यर्थियों का जो कार्य होगा, जो आपका यहाँ पे सर्विस होगी, उनको प्रत्येक वर्ष जो है आपको यहाँ पे एक्सटेंड कर दी जाएगी, ठीक है। आवेदन कैसे करनी है, तो आवेदन की जो प्रोसेस आपको यहाँ पर रखी गई है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर लगने वाली है, तो अभ्यर्थियों का जो आवेदन पत्र के साथ जो है निम्नांकित कागजात लाइक किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं योग्यता के अनुरूप आपको यहां पे भेजना अनिवार्य होगा एंड जो कागजात संलग्न नहीं रहने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं की जाएगी एवं अगर त्रुटिपूर्ण अधूरा या फिर अपलेखन एवं अस्पष्ट आवेदन पर भी आपका विचार नहीं की जाएगी, ठीक है। आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ जो है अटैच करनी होगी, जैसे कि मूल आवेदन, दो स्व अभी प्रमाणित फोटोग्राफ सहित बैंक में जमा किए गए जो शुल्क होंगे उसके कागजात का अभिमान प्रमाणित पत्र, यहाँ पे मैट्रिक का प्रवेश पत्र जो कि आपका इंटरमीडिएट, ये सब सभी आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं लाइक इंटरमीडिएट तकनीकी शिक्षा से अप्लाई करते हैं या फिर ग्रेजुएट या फिर उच्चतर शिक्षा से आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके अनुसार जो आपकी क्वालिफिकेशंस होगी एंड जो डिटेल्स होंगे वो सब सभी डॉक्यूमेंट्स जो है आपको यहाँ पर इस आवेदन
फॉर्म के साथ आपको अटैच करके जो है आपको भेजना होगा, ठीक है। एप्लीकेशंस फ़ी की अगर यहाँ पे बात करें तो जो एप्लीकेशंस फ़ी आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो अगर आप सामान्य कोटि पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट होंगे उनको 400 जो है आपको एप्लीकेशंस फ़ी यहाँ पर ली जाएंगे, एंड जो लोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट होंगे उनको आपको 200 रुपये जो है आपको आवेदन शुल्क यहाँ पे ली जा रही है। जो आप इसको आवेदन कैसे करनी है तो यहाँ पे देख पा रहे कि इसकी जो यहाँ पे IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर आपको दी गई है, इस अकाउंट नंबर में जो है IFSC कोड जो पंजाब नेशनल बैंक का आपको यहाँ पर दी गई है, इसमें आप जो है भेज करके जो है आप इस जमा करके जो है आपको पे करना होगा। तो जो आप इसमें पे कीजिएगा तो जो बैंक का द्वारा यहाँ पे जो आपको कागजात दी जाती है इसके भी जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके यहाँ पे भेजनी होगी। चयन की जो प्रोसेस आपको यहाँ पे होने वाली है, तो अभ्यर्थियों का जो चयन शैक्षणिक एवं तकनीकी प्राप्तांक तथा आवश्यकता अनुसार लिखित परीक्षा कौशल जाँच एवं साक्षात्कार में से अथवा एक अधिक में से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा। तो यानी कि यहाँ से आप सिंपल बोल सकते हैं कि अगर आपका चयन जो है आपके जो क्वालिफिकेशंस एंड जो टेक्निकली जो मार्क्स आए होंगे तो उसी के अनुसार आपका यहाँ पे जो है वेटेज दी जाएगी एंड आपके सिलेक्शंस होने वाली है जो आवश्यकता अनुसार। यानी कि अगर आप इसमें ज़्यादा कैंडिडेट इस फॉर्म को अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके अनुसार यहाँ पे जो है लिखित परीक्षा या फिर कौशल एवं इंटरव्यू के माध्यम से इनमें से किसी एक से जो है आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। इसमें आवेदन अगर जमा करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार के अगर आपको नोटिस चाहिए तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दी गई है इसमें आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर जानकारी लेना चाहते हैं अगर आप इसमें सिलेक्शंस हुए या फिर नहीं तो आप इसी में जो है आपको यहाँ पर प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। नीचे में आप देख पा रहे हो कि जो चयन के बारे में आपका यहाँ पर उम्र सीमा आपको यहाँ पर रखी गई है, तो उम्र सीमा आपका यहाँ पे देख पा रहे हो कि ANM स्टाफ नर्स डाटा एंट्री ऑपरेटर ममता वाहन कॉल सेंटर ऑपरेटर या आपका यहाँ पे फार्मेकिस्ट लैब टेक्नीशियंस ब्लॉक डाटा मैनेजर कुक काउंसलर सीनियर या फिर जो आपका सुपरवाइजर ये सब सभी पोस्ट के लिए जो है आपका यहाँ पे न्यूनतम आपका 21 ईयर्स आपका यहाँ पे न्यूनतम एज रखी गई है एंड मैक्सिमम जो है आपका कैटेगरी के अनुसार मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई। तो आप कौन से कैटेगरी से होंगे जनरल OBC फीमेल रिजर्व SC ST जनरल तो उसके अनुसार यहाँ पे आप अपर एज यहाँ से देख करके जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस की, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस आप देख पा रहे हो कि जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो अगर आप ANM यहाँ या फिर स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आपकी 10+2 की आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है अगर आप ANM पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो। वहीं पर अगर आप स्टाफ नर्स में अप्लाई करते हैं तो आपका 10+2 या इंटरमीडिएट के साथ आपका 3 ईयर्स की जो है आपकी जनरल एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग की आपका सर्टिफिकेट आपको ली जाएगी एंड साथ में रजिस्टर जो अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल्स की सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे ली जाएगी। तो अगर आप ANM पोस्ट में सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 9,900 रुपये आपको प्रतिमाह सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दी जाएगी एंड अगर आप स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 14,300 रुपये आपको पर मंथ सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पर दी जाएगी। अगर आप ब्लॉक डाटा मैनेजर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में कर रखे होंगे एंड अगर आप DCA या फिर PGDCA या फिर अगर आपने बैचलर इन CA BSc कंप्यूटर साइंस से ये सब की क्वालिफिकेशंस होगी एंड साथ में आपका मिनिमम 2 ईयर्स की पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस होगी तो आप ब्लॉक डाटा मैनेजर पोस्ट के लिए जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप ब्लॉक डाटा मैनेजर पोस्ट में सिलेक्टेड होते हैं तो उनका यहाँ पे जो है 11,339 रुपये पर मंथ सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। वहीं पे अगर आप कुक कम अटेंडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो अगर आपने डिप्लोमा इन कुकिंग या फिर होटल मैनेजमेंट कैटरिंग या अगर आपने मेट्रिकुलेशन विथ 2 ईयर्स की वर्किंग एक्सपीरियंस होगी कुकिंग इन इंस्टीट्यूशंस में तो आप कुक कम अटेंडेंट पोस्ट के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। जो कुक कम अटेंडेंट में अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 5,500 रुपये आपको पर मंथ सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो आप कौन से पोस्ट में यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अनुसार यहाँ पे जो है सीटें एंड जो सैलरी आपको प्रोवाइड की जा रही है वो यहाँ से जो है आप देख करके भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप चाहें तो वहाँ से जाकर जो है आप इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। वहीं पे अगर आप सुपरवाइजर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है सीनियर ट्यूब रिकॉर्डर जो लेबोरेटरी सुपरवाइजर है इस पोस्ट के लिए
आपको सिंपल से आपको ग्रेजुएट अगर आपने कर रखे होंगे एंड आपका डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से अगर कर रखे होंगे एंड परमानेंट टू व्हीलर की ड्राइविंग लाइसेंस होगी, ये सब सारी अगर एलिजिबिलिटी कंडीशंस होगी तो आप सुपरवाइजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो STLS ने जो लोग सिलेक्टेड होते हैं उसको 20,400 रुपये आपको प्रति माह सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दी जाएगी। अगर आप डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए MBA अगर आप कर रखे हैं या फिर PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट से कर रखे होंगे या फिर अगर आपने हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री अगर आपने कर रखे होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 ईयर्स की जो है आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे ली जा रही है। तो अगर आपके पास बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स होगा तो वैसे कैंडिडेट को यहाँ पे जो है अधिक प्राथमिकता भी आपको यहाँ पे दी जाएगी जो लोग डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर में अप्लाई करते हैं वैसे कैंडिडेट को। अगर आप डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर में सिलेक्टेड होते हैं तो उनका यहाँ पे 21,746 रुपये आपको प्रति माह सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दी जाएगी। ये इस अप्लीकेशन फॉर्म को आप किसी भी यहाँ पे आप जो है किसी भी साइबर कैफे से इसको आप निकलवा लीजिएगा। उसके बाद जितने भी सारे यहाँ पे जो डिटेल्स आपको दिए होंगे इसको आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो भी लगवानी है। ये सब सभी जो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिए गए होंगे उसको आपको फिल कर लेनी है अच्छी तरह से। उसके बाद जो ऊपर में एड्रेस दी गई थी उस एड्रेस में जो है आप किसी भी स्पीड पोस्ट निबंधन डाक के माध्यम से जो है 20/7/2021 से पहले जो है आप भेज करके या फिर हाथों हाथ उसके कार्यालय में जाकर जो है आप सबमिट करके जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप कि पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की डाउट रह जाती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने साथ अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी शेयर करना। और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी इस प्रकार की जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाए करेगी। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।